आप देख रहे हैं न्यूज फर्स्ट नेटवर्क, आपके साथ आपकी आवाज। जय हिंद, मैं हूं प्रकाश मिश्रा, आप देख रहे हैं न्यूज फर्स्ट। न्यूज फर्स्ट में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं बैंकों की लापरवाही पर, और यहां पर तो घोर लापरवाही सामने आ रही है। आपको बताते चले कि यहां पर हमारे साथ में राघव सिंह जी हैं। राघव सिंह जी अपनी एक सिक्योरिटी फर्म चलाते हैं। उन्होंने आज एक चेक दिया था 7,000 रुपए का, और बैंक ने गलती से, और गलती कहे कि लापरवाही कहे, आप ही सोचिए कि बैंक ने इनके अकाउंट से 70,000 रुपए डेबिट कर दिए। अब आप बताइए कि 7,000 के चेक को, जिसमें सीधे लिखा रहता है 7,000 यानी 7,000 रुपीज वर्ड में भी लिखा था, उसके अंदर से 70,000 रुपए डेबिट हो जाते हैं, अब उसका जिम्मेदार कौन है? अगर एक गरीब आदमी, आज तो राघव सिंह जी दौड़ भाग कर ले रहे हैं, लेकिन आज अगर एक गरीब आदमी का पैसा कट जाए तो गरीब आदमी किसके दर पे जाए और न्याय की अपेक्षा किससे करे? मैं आपके सामने दिखाऊंगा कि राघव सिंह जी ने फिलहाल जो है ब्रांच मैनेजर को उसकी शिकायत भी कर दी है, लेकिन अभी तक उनको न्याय नहीं मिल पाया। राघव जी, मुझे बताइए कि ये क्या हादसा हुआ आपके साथ में? मैं एक गार्ड को 7,000 का चेक दिया जी, 7,000। क्या नाम था उनका? जवाहर सिंह। सिंह जी, वो चेक डिपॉजिट गोरे गांव में किया जी, 7,000 का ही किया है, 7,000 का जी बैंक स्लिप है जी, जो जिसका स्लिप ही है जी, और मेरे खाते से 70,000 रुपया डेबिट कर दिया बैंक वाले ने जी, उनके खाते में जी। तो आपने उसके बाद में क्या किया? मैं उसका कंप्लेन ब्रांच में भी किया हूं, जाकर के लेटर भी दिया हूं ब्रांच में कि मेरे खाते से डेबिट कैसे हुआ 70,000, मैं 7,000 का चेक दिया हूं जी, जो प्रूफ उनको मैं सारा दिया हूं बैंक मैनेजर के पास, वो ये आपने आज हाँ वो जा करके मैं लेटर भी दिया हूं और उनको जा करके पूरा बयान भी दिया हूं, पूरे अपने चेक का ब्यौरा भी दिया हूं उनके पास जी जी जी। अब आप सोचिए कि इन्होंने 7,000 रुपए का चेक दिया था, जिसके ऊपर 7,000 रुपए लिखे गए थे, और उस इनके जो गार्ड हैं उन्होंने, जवाहर कुमार सिंह, उन्होंने 7,000, ये स्लिप आप देख रहे हैं, 7,000 रुपए इसके अंदर मेंशन है, और 7,000 की स्लिप ही उन्होंने भरी थी। लेकिन देखिए बैंक की घोर लापरवाही कि इनके अकाउंट से 70,000 रुपए जो होते हैं वो डेबिट हो जाते हैं, और अचानक जब इनके पास में मैसेज आता है तो घबरा करके बैंक में जाते हैं, बैंक में इसकी शिकायत करते हैं, लेकिन तब तक इनके जो गार्ड थे जवाहर कुमार सिंह उस पैसे को दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए होते हैं। अब यह समस्या बन रही है कि जो जवाहर सिंह ने दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया है वो पैसे कैसे रिकवर हो, या बैंक ने जो गलती की है तो इनकी भरपाई कैसे हो, यह बहुत बड़ा प्रश्न है। सरकार को इसके ऊपर तुरंत संज्ञान लेना चाहिए, प्रशासन को, क्योंकि अगर बैंक इस तरह की लापरवाही करेंगे तो आज ये 63,000 का मामला था, कल कई लाखों का मामला होगा। तो इस तरह के जो बैंक मैनेजर हैं उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जो बैंक कर्मचारी जिसकी वजह से, घोर लापरवाही की वजह से ये घटना और इनको आज ये परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, उसको तो नौकरी से तुरंत बर्खास्त करना चाहिए। ऐसे लोगों को अगर हम नौकरी पे रखेंगे, बैंक के कर्मचारियों को, तो निश्चित तौर पर जनता हमेशा परेशानी में ही रहेगी। कैमरा पर्सन विनोद मकवाना के साथ ओम प्रकाश मिश्रा, न्यूज फर्स्ट, मुंबई।